दोस्तों संस्कृति यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, संस्कृति यूनिवर्सिटी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं टोटल यूपी में। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया, टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखाता है यूजीसी अपनी वेबसाइट पर। और जो संस्कृति यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी मथुरा में स्थित है, मतलब यूपी में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जैसे और यूनिवर्सिटीज चलती हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आप बहुत विशाल कैंपस देखेंगे, बहुत बड़े बड़े कैंपस देखेंगे, पर स्टूडेंट्स के नाम पर इतने सारे स्टूडेंट्स है नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी यूजीसी पर कहां आप देख पाएंगे, साथ में ही कैसे आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर पाएंगे, कैसे आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे थे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, या हमें जो व्हाट्सएप किए कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या ना लें, उन सभी सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। संस्कृति यूनिवर्सिटी पर यह वीडियो है, ज्यादा कुछ जानने के लिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले संस्कृति यूनिवर्सिटी पर चलने से पहले तो आप ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है। दोस्तों संस्कृति यूनिवर्सिटी के एड्रेस की हम अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है। आप कैसे पहुंचेंगे इस यूनिवर्सिटी को, दोस्तों आसान तरीका तो ये समझ लीजिए आप किसी भी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो दिल्ली के लिए आपको फ्लाइट लेनी चाहिए, और अगर आप जाते हैं ट्रेन से तो डायरेक्ट मथुरा के लिए आपको ट्रेन लेनी चाहिए। हालांकि आसपास में छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएंगे जहां के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, बाय बस भी आप यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है, बनने से पहले यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड नहीं है या यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। यूजीसी एक्ट 1956 का जो एक्ट है वो यही बोलता है, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी इस सेक्शन के तहत यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, ये भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टाइजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर आप चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जाइए यूजीसी की वेबसाइट पर www.ugc.ac.in। जैसे आप डालेंगे जो इंटरफेस खुलता है यूनिवर्सिटी का, वहां पर है यूनिवर्सिटीज का कॉलम। यूनिवर्सिटीज के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम से लिखा है वहां आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा, मतलब सभी स्टेट्स की लिस्ट खुल जाएगी। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा, उत्तर प्रदेश जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां यूजीसी पर जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में सबकी लिस्ट खुल जाएगी। टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल के माध्यम से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। कहां आप देखेंगे संस्कृति यूनिवर्सिटी को, मतलब कि आप जैसे जाते हैं इन 32 यूनिवर्सिटीज में संस्कृति यूनिवर्सिटी कहां पाएंगी, 24वें नंबर पर आप देखेंगे संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स अपडेट है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए यूजीसी की साइट पर आपको देखना चाहिए, यहां पर www.sanskriti.edu.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी 16/9/2016 से
यूनिवर्सिटी चल रही है ये, तो यूनिवर्सिटी को आज की डेट में देखें लगभग 6-7 साल यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं अभी तक एडमिशन लेते हुए। और साथ में ही आप अगर यहाँ मोर डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल आपको किसकी मिलती है, वाइस चांसलर साहब की मिलती है, रजिस्ट्रार साहब की डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। कौन है इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो है डॉक्टर तन्मय गोस्वामी, और बात करें रजिस्ट्रार साहब की वो है पूरन सिंह। ये है यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार साहब, और वही साहब की डिटेल जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पर उनका फोन नंबर और मेल आईडी भी अपडेट है। कोई किस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है, आप पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में, या फिर यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ हो रही है, सीधा आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के बाकी और भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।